नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश मकवाना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिक ऑफ इंटरनेट के सेकंड वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दोस्तों, मैं यहां पर इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको समझाता हूँ। जैसे दो कंप्यूटर हैं, वो अगर आपस में कनेक्टेड है तो उसे नेटवर्क बोलते हैं। एक कंप्यूटर अगर लैपटॉप से कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर अगर प्रिंटर से कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर अगर स्कैनर से कनेक्टेड है तो ये नेटवर्क कहलाता है। लैपटॉप ये कनेक्शन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों, अगर आपको जो है, जैसे एक आपका कंप्यूटर है उसमें खूब सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, अगर आपको वो किसी दूसरे कंप्यूटर में ले जानी है या दूसरी डिवाइस में ले जानी है तो आप क्या करेंगे? पेनड्राइव लाएंगे उस इंफॉर्मेशन को, तो आप एक पेनड्राइव लाएंगे और उस इंफॉर्मेशन को जो है दोस्तों, आप उस पेनड्राइव में डाल के अपने दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर में ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है दोस्तों, आप केवल उस जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसको उस नेटवर्क पर शेयर करना है और वह जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर पर चली जाएगी। इसे बोलते हैं सर दोस्तों, ये जो है ये काम करता है नेटवर्क। ये जो एक सेंट्रल डिवाइस होती है उससे खूब सारे कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर कनेक्टेड होते हैं, जिससे नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, जो नेटवर्क के अगर टाइप्स की बात करूं तो ये चार टाइप का होता है। पहला होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क हर घर में आपको मिल जाएगा। जहां जहां इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है घरों के अंदर होता है वो लैन ही होता है अधिकतर। लैन में क्या होता है दोस्तों, इसकी जो रेंज होती है एक्सेस करने की, इंफॉर्मेशन भेजने की, इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से शेयर करने की नेटवर्क पर, वह रेंज जो होती है वो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है। एक ही घर में लगे 5-6 कंप्यूटरों को लैन के द्वारा आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो है वो है कैन। कैन है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस जो होता है, जैसे यूनिवर्सिटी है जो कि 5-10 किलोमीटर में फैली भी है, उसके अलग अलग जो फैकल्टी हैं वहाँ पर ऑफिसेज लगे हुए हैं, ऑफिस लगे हुए हैं, जैसे कॉमर्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, अगर उन दोनों जो ये फैकल्टीज हैं कैंपस के अंदर जो है हॉस्टल बना हुआ है या लाइब्रेरी है, इन सब ऑफिसेज को जो कनेक्ट किया जा सकता है वो कैन के जरिए किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है वो 5-10 किलोमीटर होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगला जो है वो है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो मैन होता है दोस्तों, इसको अपन समझने के लिए एक सिटी में जो ये केबल लगी होती है टीवी को कनेक्ट करने के लिए, इसका उदाहरण ले सकते हैं, जो कि है इसकी जो रेंज होती है वो 2 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है। एक सिटी के अंदर एक ऑफिस है, उसकी खूब सारी ब्रांचेस है, अगर उनको कनेक्ट करना है तो आप जो है वो मैन नेटवर्क ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो अगला है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है वो 100 किलोमीटर से ऊपर की होती है, अगर ये जो है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकता है। जैसे एक ऑफिस है, एक कंपनी है, उसका एक ऑफिस जो है वो इंडिया में है, एक रशिया में है, एक चाइना में है, एक यूएस में है, अगर इन ऑफिसेज को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको जो है वो वैन का कनेक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको और कुछ बेसिक इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, ताकि मैं आपको वैसा एक और वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल करा सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।